बड़ी खबर आ रही है मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले मुंब्रा इलाके से, जहां के किस्तम कॉलोनी में एनसीपी अजीत पवार और शरद पवार गुट के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अजीत पवार गुट के नए कार्यालय के उद्घाटन होने थे, लेकिन शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंच गए और बवाल करने लगे। इस दौरान अजीत पवार के समर्थक भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया गया। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अधिकारी और दंगा पथक की टीम मौके पर तैनात है और स्थिति को काबू में कर लिया गया है। बीजेपी और फिरका परस्त पे दिया जाता है कि आपको हमारे काम के लिए दिया जाता है। मैं उनसे वो सवाल करना चाहता हूँ, आपने जो इतनी बड़ी उड़ान उड़ी थी उसके ऊपर आप बात कीजिए। 15 साल आपको दिए, आज कलवा में कटआउट क्यों फाड़े? जब वहां किसी ने, जो शख्स एक एनजीओ ने कटआउट लगाई थी 15 साल पूछते हैं, उस हिसाब से करते हैं। देखो हॉस्पिटल की मालूम जितनी हमने ली, सुनो हॉस्पिटल की जितनी मालूम हमने की, मैंने क्या कहा, पर्दा झूठ का उतर रहा है। क्रेडिट लेने का जिसका काम हो, जिसका शौक क्रेडिट लेना हो, काम खान साहब ने किए, क्रेडिट उन्होंने लिए। जिसको क्रेडिट लेने का शौक है वो झूठे उद्घाटन करता है। हॉस्पिटल मुकम्मल नहीं हुआ है अभी तक, स्टाफ डॉक्टर्स सुप्रिंटेंडेंट की अपॉइंटमेंट और इंटरव्यूज चल रहे हैं, उसको आचार संहिता लगती है। तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर वो प्रोसीजर हो जाएंगे, आयुक्त आके अपना इफ्तिता करेंगे, बट आचार संहिता लगेगी तो मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके लिए उद्घाटन कर दिया डॉक्टर ने, कुछ क्लोज का बटन लगाए तो रात को 1:30 बजे वो फोन सरेंडर करे मुंब्रा पुलिस को, और बताया मैंने डॉक्टर पॉल को रात को फोन नहीं किया था, क्लोज लगा हुआ क्यों फाड़े? ये हसीन भाई वहां काम करता है, बताएगा वो आपको कि क्लोज लगा हुआ फाड़े? झूठा पर्दा उतरा है, पहले आवाम ने बर्दाश्त की, अब आवाम बर्दाश्त करेंगी नहीं।